जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनास फूड डिलाइट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, A1 होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मैंगो मिल्क शेक, फलों का बादशाह मैंगो। और मैंगो के सीज़न में हम मैंगो मिल्क शेक ना बनाएं ऐसा नहीं हो सकता, तो हम इसमें कुछ एडिशनल मज़ेदार सा कुछ ऐड करने जा रहे हैं जिससे इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिए हैं, दो लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के मैंगोज़, कुछ को मैंने क्यूब फॉर्म में काटा और कुछ जो है वो मैंने वैसे ही काट लिए क्योंकि मुझे मिल्क शेक बनाना था। एक स्मॉल बाउल लेंगे हम शुगर का और 1 लीटर मुझे मिल्क चाहिए। और इसके साथ मैंने क्यूब्स बनाने हैं जो कि मैं आइस क्यूब्स नहीं बनाऊंगी, जूस के साथ हम बनाएंगे और मैंगो क्यूब्स के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लेना है जी आइस ट्रे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बाय 1 मैंगो क्यूब्स और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मैंगो जूस, जो मैंने चौंसा मैंगो जूस लिया है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले हमने आइस ट्रे में मैंगो क्यूब्स ऐड करने हैं। आप स्मॉल साइज़ में भी 2 चंक्स बना सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का जो है वो मैंगो क्यूब काटा है और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं जूस। जैसे ही ये जो क्यूब्स बनते हैं आइस फॉर्म में आते हैं, जब हम इसको ऐड करते हैं अपने मिल्क शेक में, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा, एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है और बहुत मज़े का लगता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को कि वीडियो कैसी बनती है और हमारा मैंगो मिल्क शेक कैसा बनता है, कुछ एडिशनल ऐड करने से कैसा लगेगा आपको आज का हमारा मिल्क शेक। तो सारी जो आइस ट्रे है वो हम इसी तरह से फिल करेंगे, आइस क्यूब रखेंगे और साथ में हम जूस ऐड करेंगे। जी ज़बरदस्त सा हमारी आइस ट्रे हो गई है तैयार। इसी तरह से हमने जो है वो सारी आइस ट्रे को फिल करना है। तो हमारी आइस ट्रे हो गई है फिल, इसको हम करेंगे रेफ्रिजरेट, हम फ्रीज कर देंगे, फ्रीज़र में रखेंगे और जैसे ही हमारी आइस क्यूब्स तैयार होंगे हम उसमें ऐड करेंगे मिल्क शेक में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मिल्क शेक जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और जो मैंगो रिमेनिंग बचा है उसको हम इसमें ऐड करेंगे जग में। हाँ जी, मिल्क मैंगो हमने जो है जग में ऐड कर दिया। इसके साथ मैं 1 लीटर ऐड करूँगी मिल्क, लेकिन अभी जो है वो मैं कंप्लीट नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे मैंगो शेक बनाने के बाद जो है वो थोड़ा सा हम इसको मिक्स करने के बाद फर्दर इसमें मिल्क और शुगर ऐड करेंगे। शुगर भी अभी मैं कंप्लीट बाउल ऐड नहीं करूँगी, हाफ बाउल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। लाइक 1 लीटर हमारा मिल्क होगा और 1 बाउल स्मॉल होगा शुगर। जी ज़बरदस्त सा हमारा मिल्क शेक हो गया है तैयार। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी ज़बरदस्त सा हमारा मिल्क शेक हुआ है तैयार। अब हम ग्लास में सबसे पहले ऐड करेंगे जो हमने क्यूब्स बनाए हैं मैंगो चंक्स के साथ और जूस के साथ। दो हम क्यूब्स करेंगे ऐड एक गिलास में जी, 2 क्यूब्स हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक। वाओ, इट्स सो यमी। लास्ट पे हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। मैंने कोकोनट और स्प्रिंकल्स लिए थे कुछ, एक ही बाउल में मिक्स किया और इसको हम गार्निश कर देंगे स्प्रिंकल्स और कोकोनट के साथ। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा डिवेलप होगा। और अब हम तैयार करेंगे सेकंड गिलास।
जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो मिल्क शेक हुआ है तैयार। देखिए इसके अंदर मैंगो चंक्स भी नज़र आ रहे हैं और कोकोनट स्प्रिंकल्स की जो गार्निशिंग है वो भी पता चल रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ ढेर सारा इंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।